मुंब्रा शील में पहली बार आरके इंटरप्राइजेस आपके लिए लाया है टुडे ब्रांड 100% नेचुरल ऑयल, प्योर एंड हेल्दी, जो कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन में तैयार किया जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल मसाले, फ्रेश आटा, मल्टीग्रेन आटा, सब कुछ नेचुरल अफोर्डेबल प्राइस के साथ कस्टमर की डिमांड पर आंखों के सामने मशीन से निकाल कर दिया जाता है। आपका अपना टुडे ब्रांड, असली खाएं, सेहतमंद रहें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। मुंब्रा शील, दिवा, कलवा, इन इलाकों में टोरेंट पावर के कर्मचारी लगातार मीटरों की जांच कर रहे हैं और बिजली चोरी की भी जांच की जा रही है। और इसी जांच के दौरान मुंब्रा में 17 मीटरों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि टोरेंट पावर की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार कौसा के अलीशान इमारत और मलिक रेसिडेंसी, ये दोनों जगहों पर मिलाकर कुल 17 मीटरों से छेड़छाड़ कर इनमें गड़बड़ी की गई है और अब इन कस्टमरों के खिलाफ विद्युत अधिनियम 2003 के दिशा निर्देशों के अनुसार इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मुंब्रा शील, दिवा, कलवा में बिजली चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है, जिसमें बिजली चोरी के मामले में मुंब्रा पहले नंबर पर है। और चोरी रोकने के लिए और मीटरों में जो छेड़छाड़ की जा रही है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आम लोग कर रहे हैं, बल्कि मीटरों में छेड़छाड़ और बिजली चोरी के मामले में मुंब्रा शहर के कुछ सफ़ेदपोश भी शामिल हैं जो बिजली चोरी कर रहे हैं। टोरेंट पावर के कर्मचारियों और अधिकारियों को बिजली चोरी और मीटरों से छेड़छाड़ करने वालों पर कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और टोरेंट पावर के कर्मचारी लगातार हर जगह पर इसकी जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। और इसी दौरान मुंब्रा में दो इमारतों में, मलिक रेसिडेंसी और अलीशान इमारत में, करीब दोनों जगह मिलाकर 17 मीटरों से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि जो पुराने मीटर जिनके घरों में लगे हुए हैं, टोरेंट पावर के तरफ से ये जानकारी दी गई है कि 2 महीने के समय इनको दिया जा रहा है और आवेदन देकर ये अपने पुराने मीटरों को बदली करवा लें। आगे और भी टोरेंट पावर की तरफ से ये भी बताया गया है कि जो पीडी का बकाया बिल है वो हर हाल में भुगतान करना ही होगा, यानी कि पीडी का बकाया बिल आपको भरना ही पड़ेगा। और अगर आपका भी पीडी बकाया बिल है तो आप विलास राव देशमुख योजना के तहत, यानी कि इस योजना के तहत ब्याज माफ़ हो जाएगा और ये योजना 22 अगस्त को समाप्त हो जाएगी, यानी 22 अगस्त तक ये योजना चलेगी। और आपका अगर पीडी बकाया बिल है तो आप 22 अगस्त के पहले अगर भरते हैं तो आपका ब्याज माफ़ रहेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।